हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से? आप सभी को अपने चैनल ओपन नॉलेज गेनर में वेलकम करता हूँ। आवर फ्रेंड्स, ऑफिस एसोसिएशन का पेपर जो कि ATS की तरफ से अलाइव टेस्टिंग सर्विस की तरफ से हुआ था, ये पेपर फ्रेंड लाइव स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? फ्रेंड ये 9 फरवरी 2020 को, 9 फरवरी 2020 में ये पेपर हुआ है, कंडक्ट हुआ था। इसके मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। काइंडली वीडियो एंड तक देखें, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अलर्ट्स और नोटिफिकेशन भी मिल सके। स्पेशल की तरफ चलते हैं, लार्जेस्ट रिजल्ट इन द वर्ल्ड। ओके, तो लार्जेस्ट रिजल्ट इन द वर्ल्ड की बात आई है फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे सहारा रिजल्ट जो है सबसे बड़ा रिजल्ट है इन द वर्ल्ड में। लोकेटेड कहाँ पे वाकई है? अफ्रीका में। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सहारा डिजर्ट जो है लोकेटेड इन, तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है। आल्सो रिमेंबर के थार डिजर्ट इज लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। थार जो डिजर्ट है ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट और डिजर्ट है, जबकि लोकेटेड कहाँ है? ये है लोकेटेड इन पंजाब, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। आल्सो रिमेंबर फ्रेंड्स फॉर एनी एग्जाम के देर आर 23 डिजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में टोटल 23 डिजर्ट्स हैं, और पाकिस्तान में 65% जो एरिया है, लैंड है, इट कंसिस्ट ऑफ डिजर्ट माउंटेन्स एंड अर्बन एरियाज। ये भी फ्रेंड्स याद रखने की बात है कि 65% जो है वो डिजर्ट्स माउंटेन एंड अर्बन एरियाज के लिए रिजर्व है। एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डिजर्ट्स। अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि कौन सा जो है प्रोविंस पाकिस्तान में जिनका डिजर्ट नहीं है, तो डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा ऑफ पाकिस्तान। ओके, फर्स्ट डिजर्ट जो था वो सहारा डिजर्ट है, एंड द सेकंड वन इज अर्कटिक, द अर्कटिक डिजर्ट। ये भी अक्सर एमसीक्यूज आते हैं कि अर्कटिक डिजर्ट जो है ये दुनिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, तो वो द अर्कटिक है। देन हमारे पास लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट सूबा जो है बाय एरिया के लिहाज से, डेट इज बलूचिस्तान, सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आल्सो रिमेंबर फ्रेंड्स के पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। अगर ये दोनों एमसीक्यूज बहुत रिपीटेड आते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया हो, चाहे वो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन हो, तो बेसिकली ये दोनों आप याद रखो कि अगर एरिया के लिहाज से आए तो बलूचिस्तान है, अगर पॉपुलेशन के लिहाज से आए तो पंजाब है। आल्सो रिमेंबर फ्रेंड के फॉर एनी एग्जाम के पॉपुलेटेड अगर आए कि इन दुनिया में, इन द वर्ल्ड में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेटेड बाय पॉपुलेशन, सॉरी, तो वो है चाइना। जैसे कि पीछे हमने बात की कि लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, तो वो चाइना है। जबकि बाय एरिया की बात अगर की जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, तो वो रशिया है। ये दो तीन बातें हैं फ्रेंड्स आप याद रखो, वर्ल्ड में चाइना है बाय पॉपुलेशन के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से रशिया है, जबकि वेटिकन सिटी सबसे छोटी मतलब लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ये भी एमसीक्यूज अक्सर आते हैं कि सबसे जो है लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज कौन सी है, तो वो डेफिनेटली वेटिकन सिटी है। कैपिटल ऑफ बर्लिन फ्रेंड्स, बहुत सी एमसीक्यूज में, हर एग्जाम में बेसिकली कैपिटल्स बहुत आते हैं, बहुत रिपीटेड आते हैं फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करें कि कंट्रीज के कैपिटल्स आप ध्यान रखें। जर्मनी है यहाँ पे, लेकिन मैंने आपके लिए आसानी के लिए मोस्ट आक्स कैपिटल्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं या हुए हुए हैं, उनमें कॉमन जो ज़्यादातर रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं वो मैंने यहाँ से उठाए हैं इन पेपर्स से, और यहाँ पे उन लोगों को, उन सबको इकट्ठा करके कंपाइल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लो, मैं आपको ओरली भी बता देता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कैपिटल्स हैं, अल्बानिया, तिराना, अर्जेंटीना, एयर्स, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, भूटान, थिम्पू, कनाडा, ओटावा, चाइल्स, टिगो, एस एन टीगो, सिप्रस, निकोसिया, फिजी, सोवा है, फिनलैंड, लिंसिकी है, तिब्लिसी है, जॉर्जिया का, आइसलैंड, रिजिक्स,
रेक जो भी क्या है, ईरान तेहरान है, कजाकिस्तान अस्ताना है। सो ये बेसिकली ट्रेंड, ये आप पढ़ लो, वीडियो पॉज करके देखिए कि आप पढ़ो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लाजमी यहाँ पे पॉज करके ये सब को अपने दिमाग में याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इसी तरह से यहीं से ही MCQs आते हैं पेपर में। आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि ओमान का सपोज कैपिटल क्या है, कतर का क्या है, स्विट्ज़रलैंड का क्या है, ये आए हुए हैं, रिपीटेड हुए हैं फ्रेंड्स, तो काइंडली इसको आप देख लें। कैपिटल आप जैसे कि इसी MCQs में दोबारा दूसरा कैपिटल पूछा है सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया का कैपिटल बेसिकली रियाद है, जबकि अबू धाबी का कैपिटल UAE है। ये भी फ्रेंड्स आप याद रखो, अबू धाबी का UAE और सऊदी अरब का रियाद। वेयर नेपाल लोकेटेड इन, नेपाल कहाँ पे है? नेपाल फ्रेंड्स रशिया में, एशिया में जो है लोकेटेड है। गवादर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, जबकि गवादर पोर्ट परचेज किया गया था ओमान से परचेज किया गया था। कब हुआ था फ्रेंड ये मैं आपको बता दूँ, ये भी MCQs में आते हैं, 1958 में ये ओमान से परचेज किया गया था गवादर पोर्ट, जिसपे सीपैक का काम भी चल रहा है। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन, ये 1867 में स्टार्ट हुई थी, जबकि उस वक्त ब्रिटिश का ये कहना था कि हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया जाए, और तब उसके वक्त में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। उसके बाद क्रिश्चन सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी जो है उसका नज़रिया पेश किया था कि हिंदू और जो है मुसलमान दोनों अलग कौमें हैं, उनके लिए अलग ज़बान होनी चाहिए। हिंदू उर्दू डेट वॉज कॉल्ड हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867 एंड आस्ते आस्ते फिर ये डिजोल्व होना शुरू होगी, और देन ऑन एंड पे दो जो है अलग अलग कौमी नज़रिए का दो अलग अलग कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी गई थी 1940 में। तो डेट वॉज विच कंट्री इज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान? इंडिया। फ्रेंड मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप गौर करें फ्रेंड्स, ये देखें ये नॉर्थ है हमारे पास, ये साउथ है, जबकि ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ईस्ट में फ्रेंड्स हमारे पास इंडिया फ्रेंड्स, ये आप लाजमी देखें, क्योंकि अक्सर ये आप पूछ रहे थे कि ईस्ट में क्या है वेस्ट में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट में हमारे पास ईरान है। और एक और बात अब देखें, यहाँ पे जो है ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, जबकि ये नॉर्थ ईस्ट है। यहाँ पे ये साउथ वेस्ट है और यहाँ पे ये साउथ ईस्ट है, जबकि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो हमारे पास ये चाइना लोकेटेड है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है फ्रेंड्स? चाइना है, और जबकि साउथ ईस्ट में बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान में हमारे पास हो गया साउथ ईस्ट में, जबकि नॉर्थ नॉर्थ ये नॉर्थ वेस्ट है, जैसे मैंने नॉर्थ वेस्ट लिखा है, नॉर्थ वेस्ट में जबकि हमारे पास अफगानिस्तान है। ये मैं इसको शॉर्टकट यहाँ पे लिख देता हूँ, अफगानिस्तान, यस ये अफगानिस्तान हो गया हमारे पास। जबकि नॉर्थ के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेगा ताजिकिस्तान, आई थिंक यही है, यस ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान हो गया। जबकि साउथ साइड पे यहाँ पे जो नीचे है ये अरेबियन सी है, जिसके साथ जो है अरेबियन सी के साथ ओमान वगैरह मस्कत वगैरह है, यहाँ पे हमारे पास हो गया अरेबियन सी। ओके ये याद रखने की बातें हैं फ्रेंड्स, आप इसको लाजमी याद रखें कि ईस्ट में इंडिया है, वेस्ट में ईरान है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, नॉर्थ की तरफ आप जाएं तो ताजिकिस्तान है, उसके बाद फिर ऊपर उज़्बेकिस्तान, और उसके बाद उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान है, जबकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास चाइना है, साउथ ईस्ट में हमारे पास बल्तिस्तान है,
तो इस फ्रेंड्स आप ये चीज़ें याद रखो, और यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास इंडिया है। इलामा इकबाल बोर्न इन जब वो कब पैदा हुए, तो वो 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे, और जब उनकी वफ़ात हुई तो 21 अप्रैल 1938 में लाहौर में ये वफ़ात पा गए थे। काजेज ऑफ डेथ क्या थी, इनकी इलनेस थी, बीमार थे, और कहाँ दफन है, एक टॉम्ब ऑफ इलामा इकबाल जो कि लाहौर में है। हु लेड शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस बेसिकली 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू था हुआ था 1939 से लेकर 1945 के दरमियान में, उसके बाद फिर लॉर्ड वेवल उस वक्त के वो थे, वसराय थे, उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में एक मीटिंग रखी, उन मीटिंग के दरमियान में जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहा गया था, और उनमें दोनों मुल्कों के जैसे दो सेपरेट एलोक्रेट जैसे कि अलग दोनों हिंदू मुसलमान अलग अलग कौमें होने चाहिए थे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कादियाज़म और लियाकत अली खान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, गुलाम हुसैन, हिदायतुल्ला सर, मोहम्मद असद, आर हुसैन इमामी सब, और काम की तरफ से कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, खिज़र हयात तैवाना थे। इनमें ये खिज़र हयात तैवाना ने कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से कांग्रेस भी इख्तलाफ कर गए थे, और कुछ एक इख्तलाफात की वजह से ये फिर कांग्रेस ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल भी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारे पास कादियानम होगा। सिनोनिम ऑफ नेशनल, नेशनल का मतलब है कौमी, और इसके सिनोनिम बनते हैं स्टेट, पब्लिक, इसके हमारे पास सिनोनिम ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी बिल करते काबिलियत को, असलाहियत को, उसका जो है सिनोनिम बनेगा एबिलिटी, पोटेंशियल और कैपेसिटी। इसी तरह सिनोनिम ऑफ रिफरेंट, रिफरेंट कहते हैं साफ, क्लियर, वाजिया, और इसके सिनोनिम बनेंगे क्लियर, प्लेन। जबकि द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, करंट जो अटॉर्नी जनरल है वो अनवर मंसूर खान है, जिन्होंने इमरान खान साहब जो 22 प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको लगाया, अनवर मंसूर खान रिसेंटली 2018 में आई थिंक 19 में, आप चेक कर लो। आगे चलते हैं 1905 रिलेटेड विद विच इवेंट, 1905 बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब पूछ रहा है कि 1905 में ऐसा क्या हुआ था, कौन सा इवेंट हुआ था, तो ऑप्शन में पार्टीशन ऑफ बंगाल थे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ लॉर्ड कर्जन, उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, इन 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ओपन नॉलेज गेनर फॉर मोर सच वीडियोज, अपने बहुत सारा ख्याल रखें फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।